हेलो एवरीवन मैं हूँ रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपालीस किचन तो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन मोमोज की रेसिपी और साथ ही साथ मैंने इसकी चटनी भी मैं आपको बनाना सिखाई है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज और ये मोमोज़ की चटनी बनके तैयार हुई थी बहुत ही डिलीशियस बहुत ही यम्मी और बहुत ही आसान है इन्हें बनाना इसको इसकी शेपिंग भी मैंने इस वीडियो में आपको बनाना बताई है तो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेलाइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने चिकन मोमोज की रेसिपी सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मोमोज की चटनी बनाना बता रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल की चटनी है तो यहाँ पे मैंने लिए है एक टमाटर को चॉप कर लिया है एक लहसुन की गाठ ले ली थी और ये हरा धनिया है उसके हरे धनी की जो पीछे की डंठल होती है वो हमने लिए और अदरक लिए एक इंच के करीब उसको कट कर लिया है तो यहाँ पे मैंने रेड चिलीज़ ली है और और इसके पीछे के जो आ, होता है क्या बोलते हैं डंठल उसे हटा लेंगे आप चाहो अगर आपको कम मिर्ची तीखा चाहिए हो तो आप इसके अंदर के बीजे भी निकाल सकते हैं पर तो मैंने बीते समेत ही यूज़ की और ये मिर्ची काफ़ी तीखी वाली है यहाँ पे मिलती है हैदराबाद में घुटूर मिर्ची वही मैंने यूज़ करी यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाइया में पानी रख लिया था गर्म करने के लिए रख दिया था इसमें अपने अदरक लहसुन टमाटर और हरी धनिया की जो डंठल होती है उन सभी को इसमें डाल देंगे और इसको हमें क्या करना है ये अभी यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची भी डाल दी है सारी की सारी इन सभी को डाल के मिक्स करके अब हमें करना है इन्हें बॉईल ठीक है तो इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेंगे यहाँ पे देखिए पहला उबाल आ चुका है अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ सॉरी अभी इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक एक चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है अभी एक चम्मच डाला है बाद में मैं इसमें नमक और ऐड करूँगी तो यहाँ पर मैंने ढक के इसको एक उबाल ले लिया था तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे मिर्ची टमाटर ये सब कुछ अच्छे से गल चुके हैं तो इसका पानी मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया था अब मैं इसे ढक्कन लगा के इसे थोड़ी सी देर के लिए ठंडा कर लूँगी तो जब हमारा ये मिक्सचर टमाटर और ये सब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे एक मिक्सचर जार में डाल देंगे इन सभी को मिक्सचर जार में डाल के और थोड़ा सा जो पानी रह गया था वो पानी भी इसे में डाल देंगे और इनका ढक्कन लगा के इसका एक पेस्ट बना लेंगे बारीक हमने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है अगर कोई गाँठे हो तो आप इसको मोटी गाँठे रह जाती हैं ना कभी कभी तो उसको निकालेंगे देखिए इस कंसिस्टेंसी की हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई अब यहाँ पर मैंने लिया है एक च... एक कटोरी में एक चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी जगह आप आरारोट भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें यह हमने स्लरी बना ली है और कलर के लिए मैंने यहाँ पर जो है रेड कलर का जेल फूड कलर डाला है तो इससे क्या होगा हमारी चटनी में ना बहुत अच्छा सा जो मार्केट में कलर आता है ना चटनी में वैसे ही कलर आ जाएगा ये ऑप्शनल है आपको चाहिए तो डालिए नहीं तो रहने दीजिए तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में अब लिया है एक पली छोटा पली के करीब तेल डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और ये जो हमने अपनी चटनी बना के रखी थी अब इसको इसमें डालेंगे इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे तो ताकि तेल इसमें मिक्स हो जाए आ, वैसे तो हमने इसको उबाल लिया था तो हमारी जो चटनी है वो थोड़ी सी बकी हुई है लेकिन फिर भी मैं इसमें एक थोड़ा सा उबाल तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक मैंने टेस्ट किया था नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है यहाँ पे मैं जीनो मोटो डाल रही हूँ आप चाहे तो डालिए नहीं चाहे तो ऑप्शनल है ये नहीं चाहे तो नहीं डालिए है।, है ना तो उसको डालने से ना स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आ जाता है अब यहाँ पे जो हमने स्लरी बना के रखी हुई थी उस स्लरी को इसमें डाल देंगे इसको डालने से क्या होगा इसमें जो थिकनेस है वो अच्छी बढ़ जाएगी और उसका कलर भी बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाएगा इसे लगातार चला लीजिएगा तो अरारोट जो जो होता है ना वो नीचे लग जाता है और उसमें गांटे पड़ जाते हैं अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया और कलर भी कितना बढ़िया आया है लग रही ना हमारी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज की चटनी तो यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है तो चलिए अब इसे ठंडा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये अभी और अब बनाते हैं हम अपने मोमोज तो यहाँ पे मोमोज बनाने के लिए मैंने लिया है दो कप के करीब मैदा तो ये साइज़ आप देख सकते हैं इसी से मैं केक का नाप लेती हूँ तो इसी से मैंने ले लिया है मैदा और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो है आटा तैयार कर लेंगे इसका आटा जो होता है ना बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो हमारे मोमोज की शेपिंग अच्छी सी नहीं होगी बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो भी बनाने में इनको प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर हमें सेमी सॉफ्ट सा जो आटा है वो बना के तैयार कर लेना है तो ये देखिए आप देख सकते हैं सॉफ्ट भी है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है ये तो हमारा यहाँ पे आटा बनके तैयार हो गया है ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसी तरीके से अब यहाँ पे इसे ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है ये चिकन विस एक्चुअली ये चिकन थाई है जिसे मैंने घर में ही चॉप कर लिया था मिक्सर में नहीं किया था मैंने हाथों से इसे चॉप किया चाकू से क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं चाहिए था उसका तो यहाँ पे मैंने लिया है हरा प्याज और एक छोटा अपना जो नॉर्मल वाला प्याज होता है वो लिया है और हरा धनिया लिया इन सभी को इसी के अंदर डाल देंगे और बिल्कुल बारी बारी काट के इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे सब कुछ मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ और अब मैंने लिया है एक आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसको भी इसमें डाल देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन मसाला तो और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पहले तो मैं चम्मच की मदद से कर रही थी पर वो अच्छे से हो नहीं रहा था तो फिर मैंने उसको हाथ से मिक्स किया वैसे भी हाथ से करने से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है पूरे मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो आप भी हाथों तो से कीजिए तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है बन के तैयार हो गया है तो चलिए अब बनाते हैं मोमोज इसको मैंने ढक के साइड में रख दिया था तो अब देख लेते हैं आटे को आटे को हमने रेस्ट करने के लिए रखा था इसको थोड़ा सा मल के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे है ना तो इससे बहुत अच्छे से उसमें लचीला बना जाएगा तो यहाँ पे मैं आटे से इसकी मोमोज़ की लोहियाँ बना लेती हूँ तो गाइस वीडियो आप देख रहे हैं आपको अगर पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मुझे आपकी लाइक्स की आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है मोटिवेशनल के लिए मोटिवेशन के लिए तो बहुत जल्दी निराश हो जाती हूँ अभी तो कोई सही से व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो यहाँ पर अभी मैं जो है मोमोज़ की रोटी बेल रही हूँ पूरी के साइज़ का मैंने बे लिया है अब इसके अंदर से हम रख देंगे अपने जो हमने मिक्सचर बनाया था और अब हम कर रहे हैं मोमोज की शेपिंग तो यहाँ पे जो है लास्ट वाले आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से मोमोज़ की मैंने कई बार मोमोज की शेपिंग इसके पहले भी मैंने पनीर मोमोज़ की वीडियो शेयर करी थी तो उसमें भी मैंने बताया था तो भाई अपने एक हाथ से तो नहीं कर पाते हैं मोमोज़ की शेपिंग तो यहाँ पे मैं दोनों हाथों का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी सी धनिया की पत्ती यहाँ पे लग गई वो फटा नहीं है तो उसे हटा दूंगी तो ये देखिए हमारे मोमोज़ बन के तैयार हो गए एक मैंने इसमें काफ़ी सारे शेपिंग के मोमोज़ बनाए हैं दो तीन तो मैंने बताए ही इस वीडियो में तो यहाँ पे अब मैं दूसरा वाला शेप बता रही हूँ किस तरीके से आपको शेप करना है बस कुछ नहीं उसमें चुन्नट लेते जाना है जिस तरीके से साड़ी में फोल्ड करते जाते हैं ना उस तरीके से बस हमने तीन यहाँ पे फोल्ड लिए हैं और उसके बाद में उस साइड के पल्लड़ को और इस साइड के पल्लड़ को क्या बोलते हैं पता नहीं <laughs> वो मैंने दोनों साइड के लिए उसको आपस में मोड़ दिया और इस तरीके से भी स्ट्रीट में मोमोज मिलते तो ये हमारी हो गई दूसरी शेपिंग तैयार तो अब हम बना रहे हैं गोल वाले मोमोज तो वो भी लोगों को सबसे ज़्यादा इजी पड़ता है बनाना तो बस एक हाथ में पकड़ते जाइए उसको फोल्ड करते जाइए और जो पत फोल्ड करके ऊपर से उसको थोड़ा सा चपटा करते जाइए ताकि ऊपर की तरफ मोटा मोटा वाला पार्ट ना आए मोटा वाला पार्ट अंदर की तरफ चला जाए तो ये देखिए ये भी हमारे मोमोज़ बन तैयार हो गए हैं गोल वाले मोमोज तो तीन तरीके की शेपिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दी है तो अब मैं जो अपना स्टीमर है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ इसमें रख दिया हमने मोमोज तो अब इनको फटाफट से स्टीम कर लेते हैं मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल करने के लिए स्टीमर को बॉईल करने के लिए रख दिया था तो अब यहाँ पे रख देती हूँ मैंने दोनों प्लेट रख दी इसके अलावा भी मेरे और मोमोज थे तो वो मैं बाद में लगा दूंगी तो चलिए यहाँ पर अपने मोमोज़ को दस मिनट के लिए स्टीम कर लेते और है, हैं और देखिए हमारे डिलीशियस यह भी मोमो बन के हो गए हैं तैयार कि बहुत ही अच्छे बने हुए थे मोमोज़ सच में गाइस आप एक बार ट्राई करके देखिए आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया अगर ये वीडियो पसंद आई तो है ना नहीं भी आए तो भी कर देना वैसे <laughs> पसंद आई मुझे पता है तो यह देखिए अंदर से फीलिंग कितनी सुंदर दिख रही है कितने बढ़िया हमारे मोमोज़ गर्मा इस वक्त बहुत गर्म थे मुझे पकड़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो अब मैं मोमोज़ के ऊपर थोड़ी सी जो है आ, क्या बोलते इसको वो क्या बोलते हैं सॉरी पिज़्ज़ा स्प्रिंकल्स यस याद आ गया पिज़्ज़ा स्प्रिंकल डालू उससे मोमोज ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। स्ट्रीट में भी मार्केट में भी इसी तरीके से मोमोज बनते हैं तो यहाँ पर हमारी चटनी रख दी है और साथ में रख है मेयोनीज़, और यहाँ पर हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की चटनी है और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये मोमोज बनके तैयार हुए हैं आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत ही यमी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं ये मोमोज़ और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे चलिए इंजॉय कीजिए मोमोज़ को मिलती हो अगली वीडियो में बाय बाय